फ्रेंड्स, आज हम डीजे सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची के जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुए 2024 के, उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड नंबर का कॉलेज है ये ऑल ओवर कराची। फर्स्ट नंबर पे आजम जी होता है बॉयज़ के अंदर, तो आजम जी साइंस कॉलेज के सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह MCQs वगैरह मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर वाली प्लेलिस्ट में। और डीजे साइंस कॉलेज के MCQs भी हमने कर लिए थे, तो डीजे साइंस कॉलेज के MCQs हो गए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के। बस यहाँ पर हम इसके न्यूमेरिकल जितने भी हैं, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जितने भी हैं वो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे हमारे फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे, सारे स्लाइड्स में सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो मैंने कट करके पेपर्स में से न्यूमेरिकल निकाल लिए। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 में आ रहा है इसका, कि अमोनिया गैस कैन बी जनरेटेड एज फॉलोज, और रिएक्शन लिखा हुआ है, इफ 100 ग्राम्स ऑफ बोथ सॉलिड्स आर हीटेड कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ अमोनिया आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 100 ग्राम आपको अमोनियम क्लोराइड का दिया गया है और 100 ग्राम आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दिया गया है। दोनों के 100 ग्राम दिए गए हैं, तो बताइए कितना अमोनिया गैस जो है वो उससे बनेगा, और साथ में ये भी बताइए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, ठीक है। अगर तो हमें पता है जब भी मल्टीपल रिएक्टेंट्स के अगर मास गिवन होते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 में आता है, ठीक है। तो पहला ही न्यूमेरिकल हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का मिलता है, बोर्ड पैटर्न में भी ऐसे ही होता है। शुरू के क्वेश्चन आपको पहला सवाल डेफिनेशन होगा, दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अभी हम यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको पता है कि हमें इक्वेशंस को दो बार मास मास रिलेशनशिप लगानी पड़ती है। एक बार हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड से कितना अमोनिया बन रहा है, फिर सेकेंड टाइम हम देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कितना अमोनिया बन रहा है, ठीक है। तो पहले हम एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये बना हमारे पास 2NH3 प्लस H2O प्लस कैल्शियम क्लोराइड। अब जो गिवन रिक्वायर्ड है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर गिवन है और ये हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मासेस लिख देते हैं, 2NH4Cl का कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2, उसके बाद 14 प्लस 4 प्लस 35.5, कितना निकला 2NH4Cl 107 ग्राम, और अमोनिया ये तो हो गया 17 × 34 ग्राम हो गया, ये सही है। और हमें कहना है कि 100 ग्राम से कितना बनेगा, तो 100 ग्राम से कुछ तो बनेगा, तो हम लोग x लिख देते हैं, x ग्राम बनेगा, और ये x हमें निकालने हैं, रेशियो मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो 107 अपॉन 34 इज इक्वल टू 100 अपॉन x, ऐसे ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 107x इज इक्वल टू 100 इंटू 34, और x बराबर हो गया 100 इंटू 34 अपॉन 107, कितना आ गया हमारे पास ये 31.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो एक तो आंसर हमारे पास ये आया, ठीक है। अब ये करेक्ट है कि नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट विच फॉर्म्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो उसके लिए हमें दोबारा दूसरे के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो अगेन इस इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे, 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये हमारे पास बना क्या, अमोनिया प्लस 2 अमोनिया प्लस वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है जी। अब इसके बाद हम अंडरलाइन किसको कर देते हैं, 2NH4Cl को, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और अमोनिया को, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरे रिएक्टेंट से कितना बन रहा है, ये कितना हो गया भाई, 40 प्लस 16 प्लस 1 इंटू 2, कितना आ गया ये 74, तो 74 ग्राम से हमारा बन रहा है 34 ग्राम। 100 ग्राम से कितना बनेगा भाई, x ग्राम बनेगा, रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं, 74 अपॉन 34 इज इक्वल टू 100 अपॉन x,
74x = 100 × 34 डिवाइड बाय 74, x कितना आ गया, कितना 45.9 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। अब देखो दो हमारे पास दो मासेस आई हैं अमोनिया की, अब जो सबसे कम वाला है क्या है, ये 31.7, तो उसके मतलब NH4Cl हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है बिकॉज ये सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, एंड द अमाउंट ऑफ या मास ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड इज कितना बनेगा एक्चुअल में 31.7 ग्राम, एंड दैट्स योर आंसर। समझ में आ गया सबको, आता है सबको करना, ये इजी है। अच्छा क्वेश्चन थ्री में उन्होंने क्वेश्चन एक पूछा है डीजे साइंस कॉलेज में, स्टेट चार्ल्स लॉ ऑफ आइडियल गैस, चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट दे दीजिए। तो प्लॉट अ ग्राफ फॉर वन मोल ऑफ अ गैस टू प्रूव दैट गैस बिहेव्स, गैस बिकम लिक्विफाइड अर्लियर देन -273°.16°C, ऑल्सो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गेट SSTP। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ ऑफ आइडियल गैस ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, बाकी ये ग्राफ प्लॉट करने कह रहे हैं जिसमें आप ये प्रूफ करें कि गैस -273°.16°C से पहले लिक्विफाई हो जाती है। तो ये बस वो ग्राफ जो है ना चार्ल्स लॉ का, इसमें वो ड्रॉ करना है आपको, जिस तरह से हम इस तरह ड्रॉ करते हैं ना, लाइक दैट, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिस इज एक्चुअली द वॉल्यूम, दिस इज द टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और ये वॉल्यूम हम यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर ये वैल्यूज यहाँ पर चल रही होती हैं 10, 20, 30, 40, 50, और ये टेम्परेचर हमारा जो है वो केल्विन में भी चला सकते हैं, सेंटीग्रेड में भी चला सकते हैं, सेंटीग्रेड में चला लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे टेम्परेचर्स चल रहे हैं, अब अगर सेंटीग्रेड में बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर है -273.16°C, अब ये समझ लो कि -200 है, ये -100 है, ये 0°C है, ये 100 है, ये 200 है, और इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ ये हमारे पास, जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन आती है, डायरेक्टली रिलेटेड है, चूँकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो जो लाइन इसके अंदर बनती है एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन से मुराद ये होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम कम हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर -273.16°C पर पहुँचेगा तो जो गैस उसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है, और वॉल्यूम जब ज़ीरो हो गया तो उसका मतलब वो चीज़ गैस तो रहेगी नहीं, या तो वो लिक्विफाई हो चुकी होगी या सॉलिडिफाई हो चुकी होगी, तो इतना कम वॉल्यूम गैस का कभी नहीं होता, गैस के वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होता है। यहाँ पर कहीं पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बुक में भी की होती है, किसी भी पॉइंट पर ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मतलब ये पॉइंट ऑफ लिक्विफैक्शन है, किस पॉइंट तक आने तक गैसेस लिक्विफाई हो गई हैं, फिर आगे जाकर और वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। तो इस तरह से एक लाइन इस तरह बुक में देखोगे आपने डली होती है, ये लिक्विफैक्शन पॉइंट होता है किसी भी गैस का। तो ये ग्राफ आपसे ड्रॉ करने बोला था आगे, जो यहाँ से यहाँ तक, समझ गए, करना आता ही आपको, ये कोई नई चीज़ नहीं है, अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि इसमें सर क्या करना है, ये नॉर्मल भाई ग्राफ है चार्ल्स लॉ का, क्लियर है यहाँ तक बात। अब ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी साथ में डाल दिया शॉर्ट में, कि आल्सो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गेट SSTP। अब न्यूमेरिकल तो आसान है, सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, डेंसिटी मालूम करनी है, तो डेंसिटी लिखकर हमने क्या कर दिया भाई, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस का मॉलिकुलर मास कितना आ जाएगा हमारा 32 AMU आ जाएगा, टेम्परेचर कितना होगा STP है तो 273 केल्विन, मतलब 0°C स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और प्रेशर कितना होता है ATM में स्टैंडर्ड 1 ATM, सही है। तो सॉल्यूशन, फिर आपको पता है डेंसिटी मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है, D=PM/RT, यही फॉर्मूला होता है डेंसिटी मालूम करने का। इसको हम ड्राइव करते हैं जनरल गैस इक्वेशन से, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है PM/RT,
ये क्वेश्चन जो आपका आ रही है चैप्टर, पूरा सवाल चैप्टर नंबर जो है ना आपका 4 से बना हुआ है, ये पूरा सवाल चैप्टर 4 से बना हुआ है। तो डेंसिटी बराबर किसके हो जाएगा, दैट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय 273। क्या आ गया डेंसिटी बताएं, 1.42 यूनिट क्या निकलेगी, यस बिल्कुल सही, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब निकलेगी। और ये आपने इस तरह से इसकी डेंसिटी बना ली, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया सबको कैसा हुआ सवाल ही, दैट्स इट। तो बेटा जो बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है ना वो आ सकती है आपके शॉर्ट में, इस तरह ग्राफ बनाने आ गया या फिर इस तरह से न्यूमेरिकल आ गया छोटा को उसका, ये शॉर्ट में बन सकता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से रीज़न भी आपका आएगा साइंटिफिक रीज़न, वो लाजमी एक सवाल बनेगा। अब वो चंद एक साइंटिफिक रीज़न है, मैं उसका बता देता हूँ कि हमने इसको पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, पता लग जाएगा। तो गिव साइंटिफिक रीज़न फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। पहला है कि एस एस सिग्मा बॉन्ड इज रिलेटिवली वीकर देन पी पी सिग्मा बॉन्ड। एस एस का सिग्मा बॉन्ड जो है वो पी पी के सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा वीक होता है, पता है आपको क्यों? यस, नोडल प्लेन की वजह से। देखो इस तरह से ना, एस एस का इस तरह से बनता है और पी पी का जो ओवरलैपिंग होती है वो इस तरह से होती है ना भाई। अब इसमें किनारों पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं पी में, तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है पी पी में, पर इस बात एस एस के, ठीक है। तो हम इसको सिंपल ये बताते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर या इज ग्रेटर इन पी पी सिग्मा देन एस एस सिग्मा। रीज़न यही होता है कि पी ऑर्बिटल में किनारों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो वो ओवरलैप्ड एरिया पर इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत एस एस की, ऐसे ही ना। तो ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट। सेकेंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर एट हाई एटीट्यूड। ऊंचाई पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है पानी की, ऐसा क्यों बोले? हाँ, वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ना, मेन तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए वेपर प्रेशर जल्दी बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड पर जल्दी वाटर बॉयल हो जाता है। तो हम यहाँ ये आंसर क्या लिखेंगे उसका, कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर की लो क्यों होती है हाई एल्टीट्यूड में, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है एट हायर एल्टीट्यूड। सो इसी वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा जो है वो डिक्रीज हो जाता है, सिंपल ये लॉजिक है। नेक्स्ट है, वाटर वेट द ग्लास सरफेस बट मर्क्यूरी डज नॉट। ये पढ़ा है आप लोगों ने सरफेस सेक्शन में, पढ़ा था आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि पानी जो है वो ग्लास सरफेस को वेट कर देते लेकिन मर्क्यूरी नहीं कर सकते, नहीं पढ़ा किसी ने, नहीं पढ़ा ये। देखो होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं ना कि लिक्विड्स के, लिक्विड हमारे पास दो तरह के होते हैं, अगर हम लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है वेटिंग लिक्विड और एक कहलाता है हमारे पास है नॉन वेटिंग लिक्विड। दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, एक वेटिंग लिक्विड होता है और एक नॉन वेटिंग लिक्विड होता है। वेटिंग लिक्विड वो होता है जो आपके हाथों को गीला कर दे, अगर आप उसमें हाथ डाल के निकालो तो आपके हाथ गीले हो जाएं, वो वेट कर दे आपके हाथों को, मॉइस्ट कर दे, उसको वेटिंग लिक्विड कहा जाता है। जैसे कि पानी, पानी जो है, वाटर जो है वो दिस इज एक्चुअली अ वेटिंग लिक्विड। नॉन वेटिंग लिक्विड किसे कहेंगे, जो आपके हाथों को गीला ना कर सके, आप हाथ डाल दुबा के निकाल लेना तो आपका हाथ वैसे ही बाहर आ जाए। तो वो जैसे कि Hg मर्करी होता है ना, मर्करी एक नॉन वेटिंग लिक्विड होता है, थर्मोमीटर में भी होता है, आपने देखा होगा कभी आपके हाथ में उसको उठा लो या कागज़ में उठा लो तो उसको गीला नहीं करता है, वो स्लिप कर रहा होता है, फिसल रहा होता है सिर्फ उसमें, अगर आपने मर्करी या पारा जो होता है ना कभी आपने थर्मोमीटर से निकलता हुआ देखा है। तो ऐसा होता क्यों है, रीज़न क्यों है कि पानी जो है वो गीला कर देता है और मर्क्यूरी जो है वो गीला नहीं कर पाता, इसके पीछे रीज़न होते हैं फोर्सेस के। देखो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में दो फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस बिटवीन या फोर्सेस इन लिक्विड,
अब लिक्विड के अंदर ना, किसी भी लिक्विड के अंदर दो तरह के फोर्सेस पाए जाते हैं। एक हमारे पास कहलाता है क्या बेटा, कोहेसिव फोर्स, और एक क्या कहलाता है हमारा, एडहेसिव फोर्स। सुना है कभी ये सब? कोहेसिव और एडहेसिव दो फोर्सेस होती हैं। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो किसके बीच में होती हैं, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो हमारे पास कहलाता है कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। और मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और वॉल्स ऑफ कंटेनर के बीच में जो फोर्स होती है उसको एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। अब जैसे कि अगर मैं एक गिलास पानी ले लूं, इसमें एक गिलास पानी अगर मैं डाल दूं, उसके अंदर पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स बेटा आपस में भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आपस में जो अट्रैक्ट करते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कौन सा फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है। और यही वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, ये जो है ना वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी अट्रैक्शन में होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं। ये जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जो फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स होता है, एडहेसिव फोर्स। अब दोनों तरह के फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं, कोहेसिव भी एडहेसिव भी। अब कभी कभार एडहेसिव स्ट्रांग होती है, कभी कभार कोहेसिव स्ट्रांग होती है। जैसे वेटिंग लिक्विड्स होते हैं ना, वेटिंग लिक्विड्स में क्या होता है, इनका जो एडहेसिव फोर्स होता है वो स्ट्रांग होते हैं, इनके कौन से फोर्स से, कोहेसिव फोर्स से। जबकि नॉन वेटिंग में क्या होता है, आ रहा हूँ दो मिनट। जबकि नॉन वेटिंग लिक्विड में क्या होता है कि जो कोहेसिव फोर्स होती है वो स्ट्रांग होती है किससे, एडहेसिव फोर्स से। अब जैसे लिक्विड है ना, वाटर है, वाटर के अंदर एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ कंटेनर के साथ ज़्यादा फोर्स लगा रहा होता है। इसलिए जब आप हाथ डुबाते हैं ना, तो वो आपके हाथों के साथ ज़्यादा फोर्स मॉलिक्यूल लगा रहे होते हैं, तो क्या होता है, जब हाथ निकालते हैं तो मॉलिक्यूल चिपके हुए रह जाते हैं। लेकिन मरकरी में क्या होता है, कोहेसिव स्ट्रांग होते हैं एडहेसिव के मुकाबले में। तो अगर आप हाथ डुबाते हैं तो वो आपके हाथ के साथ फोर्स ही नहीं लगाता, वो सारे फोर्स आपस में लगा रहे हैं। दैट्स वाई जब हाथ निकालते हो मरकरी के से भरे हुए किसी ग्लास से या किसी टब से, तो आपका हाथ गीला नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अब इसके रीज़न हम लिख पाएंगे कि पानी क्यों गिलास सरफेस को वेट करता है, मरकरी क्यों नहीं, क्यों भाई, क्योंकि द एडहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज मोर देन मरकरी, दैट्स वाई इट वेट्स द ग्लास सरफेस वाइल मरकरी डस नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है, आईपी डिक्रीजेस डाउनवर्ड इन अ ग्रुप ऑफ रॉयक टेबल। आईपी मतलब यहां पर क्या है, दिस इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पढ़ा है ना भाई हमने। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन एटम, पढ़ा था हमने ये। तो आईपी डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होती है, नहीं, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो क्या होगा, आईपी हमारे पास डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पीरियड नंबर है ना, वन पीरियड, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है, और ये फ्रांशियम भी आएगा। तो अब क्या हो रहा है कि जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और शेल्स के बढ़ने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, उसको आराम से निकाला जा सकता है, जितना कम फोर्स देके भी निकाला जा सकता है। दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होते रहती है, इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है। तो हम ये लिखते हैं, आईपी क्यों डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, सो इट इज easier to remove electron from the last shell of an atom।
सही है, ठीक है भाई। इसके बाद लास्ट हमारे पास फोर्थ क्या है, रीजन आइस हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट वेयर एज ग्लास मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि बर्फ जो है आइस उसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है, लेकिन जो ग्लास है वो एग्जैक्ट टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता, उसके पीछे क्या रीज़न है? यस बिल्कुल सही। तो आइस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड सो इट हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, पढ़ा था ना ये हमने, इसलिए इसकी हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो ग्लास कैसा सॉलिड है भाई? ग्लास इज एन अमर्फस सॉलिड, ग्लास हमारा चूंकि एक अमर्फस सॉलिड है सो इट हैज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए इसकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, विद इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट हो रहा होता, प्लास्टिक वगैरह का पढ़ा था ना हमने, क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो डीजे साइंस गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का है वो है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करें विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा, सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, कोई रेट कॉन्स्टेंट वगैरह इस तरह कुछ नहीं निकालना है, तो छोटा सा सवाल है तभी शॉर्ट में आए, तो जस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल दिए दिए गए डेटा से, ठीक है। तो अब आपको पता है इस तरह टेबल बनी हुई है, सारी चीज़ें गिवन है, हमें क्या करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हमें एक बात विद रिस्पेक्ट टू NO निकालना होगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू O2 निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना भाई, NO के रिस्पेक्ट से निकालते हैं, तो क्या निकलेगा, अब 0.10 से जब ये 0.20 हो रहा है तो 8 से 16 हो जा रहा है, मतलब जब NO की कंसेंट्रेशन 2 times हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 times हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ NO इज डबल्ड देन कैपिटल R ऑल्सो बिकम्स डबल, इसी तरह लिखते हैं बेटा इसको, तो हमें इससे ये साबित हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट से हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो NO के रिस्पेक्ट से हमें पता लग रहा है कि ये हमारा रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। इसके बाद अब हम ऑर्डर निकालेंगे कि उसके रिस्पेक्ट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट से निकालेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब ये 0.10 से 0.20 हो रहा है तो ये कितना हो जा रहा है, 8 से 16, ये भी सेम ऐसे ही हो रहा है, तो ये तो बहुत आसान सवाल दे दिया इन्होंने, इफ़ कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इज डबल्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कैपिटल R ऑल्सो बिकम्स डबल, ठीक है भाई। तो ये न्यूमेरिकल जो आपको पता है जो आया हुआ है वो कौन से चैप्टर से, चैप्टर नंबर 9 से आया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है, ठीक है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ O2 हो गया, तो किसके रिस्पेक्ट से भी क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब अगर हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, मैं पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ NO आ जाएगा और उसके साथ O2 आ जाएगा। अब ये 1, 1, तो 1+1 कितना हो गया 2, ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर आ गया इसका, क्लियर है, आसान ऐसे ही करता है ना इसको, दैट्स इट, हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन 11, ये आ रहे हीट ऑफ फॉर्मेशन, अरे कौन से चैप्टर से आ रहे, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 से आ रहा है, थर्मो केमिस्ट्री से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का ही सवाल है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में ना इसी तरह से बुक से सवाल निकल कर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डीजे साइंस कॉलेज के पेपर एक अच्छा पेपर है, तो ये सिंपल आसान सा पेपर है जो बुक से बना हुआ है, ज़्यादा परेशान नहीं किया जा रहा स्टूडेंट्स को, और जो कर रहे हैं तो वो पेपर में आता भी नहीं है, आसान पेपर बनता है हमेशा। ये इक्वेशंस आपको पता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन में 4 इक्वेशंस दी हुई है, अब हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को प्लस करके 4 से माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाता है। सेकंड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेकंड, हाँ थर्ड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से कर देंगे,
फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इससे माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बेसिक है, सिंपल ट्रिक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3/2 देन ऐड विथ इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। तो पहले इक्वेशन 2 पहले लिख देते हैं, सी प्लस ओ टू, ये बना हमारा CO2 और डेल्टा एच एफ क्या आया हमारा -394 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 2H2 प्लस O2 बना H2O, डेल्टा एच एफ कितना हो गया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आया, क्या 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया मल्टीप्लाई, हाँ वाटर मॉलिक्यूल S2 माइनस का 572 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, इसको प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा C प्लस 2O2 प्लस 2H2, ये बना CO2 प्लस 2H2O, और डेल्टा एच एफ कितना आ गया इसका -966 किलो जूल पर मोल। अब डायरेक्टली मैं इसको इस वाले इक्वेशन से माइनस कर देता हूँ, फोर्थ वाली, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास ज़्यादा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो गया CH3OH प्लस का 3/2O2, ये बना CO2 प्लस 2H2O, ये बना डेल्टा एच एफ कितना माइनस का 726 किलो जूल पर मोल। साइन चेंज हो जाएगा भाई, माइनस 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 माइनस, ये कटा ये कटा, ठीक है। तो ये आगे एक आगे सी प्लस हाफ और टू हो जाएगा, ये 2 - 3/2, तो हाफ ही होना है मुझे पता है, हाफ पहले मैं H2 लिख देता हूँ, 2H2 प्लस हाफ O2, और ये माइनस का CH3OH उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का CH3OH हो जाएगा। इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट जैसी, डिजायर्ड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे प्लस कर दो, कितना हो गया डेल्टा एच एफ माइनस का 240 किलो जूल पर मोल, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है, बुक का ही सवाल था ये, समझ में आता है सबको कैसे होता है। क्वेश्चन 12 है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन 400 जूल ऑफ हीट सप्लाई टू अ सिस्टम देन 500 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी रेस कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है ना, थर्मोकेमिस्ट्री का। तो न्यूमेरिकल है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन लगेगी ना इसमें, डेटा बना लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 400 जूल ऑफ हीट सप्लाइड टू आ सिस्टम, क्यू हमारे पास क्या आ गया 4000 जूल, सॉरी देन 500 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी रेस्ट, डेल्टा ई दिया हुआ है 500 जूल, कैलकुलेट क्या करना है डेल्टा वी करना है, चेंज इन वॉल्यूम। सॉल्यूशन, तो देखो यहां पर हमें डेल्टा वी मालूम करना है ना, हमें पता है डब्ल्यू बराबर होता है माइनस का पी डेल्टा वी, लेकिन वर्क डन नहीं है, डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, क्यू भी है और डेल्टा ई भी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो पहले हम ये लिख देंगे, दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, यही कहलाती है ना ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। अब यहाँ चुके W हमारे पास है नहीं डेल्टा वी निकालने के लिए, तो डेल्टा वी हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू W माइनस का W अपॉन, तो यही हो जाएगा, उसको इक्वेशन वन बना लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा वी हमारे पास हो जाएगा डेट इज माइनस का W अपॉन P, तो P तो है हमारे पास, W नहीं है, ये निकालना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है हमसे? डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, ऐसा ही होता है बिल्कुल। डब्ल्यू निकालना है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू, यही निकलेगा। डेल्टा ई कितना है भाई? 500 माइनस क्यू कितना हमारा है? 4000। तो वर्क डन कितना निकला? हाँ, 3500 जूल में निकलेगा ना ये, क्योंकि ये जूल में सारे, तो ये भी जूल में आ जाएगा। इसके बाद अब हम इस वैल्यू को क्या करें? पुट इन इक्वेशन वन कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो डेल्टा ई बराबर किसके आ जाएगा? माइनस का डब्ल्यू, मतलब ये प्लस का हो जाएगा। 3500 डिवाइडेड बाय पी कितना है? 101300। कितना आ रहा है बताओ? 0.034 यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर क्यूब आ जाएगी। समझ में आया कैसे हुआ? ये थोड़ा हट के सवाल था लेकिन बन गया है, मतलब ऐसा बुक से आउट सवाल है ये। इस तरह का सवाल हमने किया तो है जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी लगाया है, लेकिन उसमें हमने ये नहीं डेल्टा वी मालूम नहीं किया था, कुछ और किया था। क्लियर है? समझ में आ गई बात? कोई मसला नहीं है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रीजन क्या है? चूंकि यहाँ पर तो हम जूल जूल रख रहे हैं ना पी डेल्टा बी में, तो मतलब एटीएम में नहीं कन्वर्ट करते हैं उसको। यहाँ जो है ना, जब हम थर्मोडायनेमिक्स कर रहे होते हैं तो हम प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही रखते हैं, समझ गए? हम उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही सिस्टम में काम होगा इसके अंदर। तो जूल भी ऐसे सिस्टम में और वो भी ऐसे सिस्टम में, ठीक है? तो प्रेशर की ऐसा यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है जिसको हम पास्कल कहते हैं, और एनर्जी वगैरह की यूनिट भी जूल होती है, सही? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है, शॉर्ट में डिफाइन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस को डिफाइन कीजिए। तो ये डेफिनेशन करनी है, पढ़ा है ना हमने दोनों की डेफिनेशन। हाइड्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, हाइड्रोलाइसिस एक केमिकल प्रोसेस है। हाइड्रेशन में पीएच चेंज नहीं होता, हाइड्रोलिसिस में पीएच चेंज होता है। तो ये सब तो रट्टाफिकेशन है, लिख देना उसको। नेक्स्ट लिखा हुआ है, व्हाई इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज एसिडिक व्हाइल दैट ऑफ Na2CO3 इज बेसिक। अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एसिडिक क्यों होता है और सोडियम कार्बोनेट का बेसिक क्यों होता है? इसके पीछे रीजन क्या है कि इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो पता लग जाएगा कि जब हम NH4Cl को, अमोनियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, व्हेन NH4Cl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, यहाँ पर क्या बनता है? HCl बनता है और NH4OH बनता है। तो ये हमारा बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या बनता है? वीक बेस बनता है। इसलिए ये सॉल्यूशन इसका कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन NH4Cl इज डिजॉल्व इन वाटर एंड एन स्ट्रॉन्ग एसिड इज प्रोड्यूस, दैट्स वाई NH4Cl इज एसिडिक इन नेचर, इट इज एन एसिडिक सॉल्ट। तो ये सोडियम कार्बोनेट का बेसिक क्यों होगा ये भी आप बता सकते हैं ना भाई? इसको वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा? इस तरह से जुड़ेगा ना भाई, कार्बोनिक एसिड बनेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड होता है और NaOH कैसा बेस होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन अ स्ट्रॉन्ग बेस इज प्रोड्यूस्ड, दैट्स वाई सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, राइट सॉल्यूशन इज बेसिक। क्लियर है? चलो मैं इसमें बताया तो हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस? एक होता है हाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रोलिसिस। तो ये विषय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाइड्रेशन, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ हाइड्रोलिसिस। तो ये दोनों ना एक दूसरे के अपोजिट है। क्या 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 चीज़ें इनमें डिफरेंस है? हाइड्रेशन हमारे पास जो है वो होता है हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है, जबकि हाइड्रोलिसिस हमारे पास ये होता है एक केमिकल प्रोसेस, ठीक है?
हाइड्रेशन में क्या होता है, नो पीएच चेंज, नो चेंज ऑफ पीएच, इसमें पीएच चेंज नहीं होता, जबकि हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है, चेंज ऑफ पीएच, इसके अंदर पीएच जो है ना वो सॉल्यूशन का चेंज हो रहा होता है, सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक बन रहा होता है। डेफिनेशन वाइज क्या फर्क है, हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच, एक प्रोसेस में क्या हो, इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड द कैटाइन एंड एनायन ऑफ सॉल्ट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्ट के कैटाइन और एनायन को सराउंड कर ले, उसको कहते हैं हाइड्रेशन। जबकि हाइड्रोलिसिस किसे कहा जाता है, अ प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या हो, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करें, रिएक्ट विथ, रिएक्ट कर जाएं किसके साथ, विथ कैटाइन्स एंड एनायन्स ऑफ सॉल्ट। अगर वो कैटाइन्स और एनायन्स के साथ सॉल्ट के रिएक्शन कर जाते हैं तो उसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम एक बीकर, अगर हम एक ग्लास ले लेते हैं, और इस ग्लास के अंदर, अब जैसे कि हम यहाँ पर दो गिलास ले लेते हैं, जैसे एक गिलास ये रहा, दूसरा गिलास अगर ये गिलास ले लेते हैं, ठीक है, तो दो गिलास अगर हम ले लें और दोनों गिलास में पानी डाला हो और दोनों के अंदर हम अलग अलग सॉल्ट डाल देते हैं, इसके अंदर हम लोग जो सॉल्ट डालते हैं वो डाल देते हैं NaCl, और इसके अंदर जो सॉल्ट डालते हैं वो डाल देते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब जैसे ही जाहिर सी बात है पानी के अंदर ये डलेगा तो Na प्लस आयन अलग हो जाएगा, Cl माइनस आयन अलग हो जाएगा, तो Na प्लस आयन अलग हो जाएगा और Cl माइनस आयन अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, अब जैसे Na प्लस का OH माइनस क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा, जबकि Cl माइनस को क्या होगा कि H प्लस जो है वो चारों तरफ से घेर लेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन कह रहा। तो हाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो है वो सॉल्युबिलिटी होती है, एक सॉलिड जो है ना वो सॉल्ट वगैरह पानी में डिसॉल्व होते हैं इसी हाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, सॉल्युबल हो जाते हैं। यही NH4Cl जब पानी में डालेंगे, अच्छा इसमें भी यही होगा, अच्छा इसमें क्या होगा कि रिएक्शन नहीं होगा, पीएच चेंज नहीं होगा, इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं पॉसिबल होगी, क्योंकि जब रिएक्शन करेगा तो HCl और NaOH बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, तो पीएच जो है ना वो चेंज नहीं होगा, पीएच सेम रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हमारे पास सॉल्ट में, अगर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट होता है, तो न्यूट्रल सॉल्ट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हाइड्रोलिसिस नहीं होती, सिर्फ हाइड्रेशन होगी, ठीक है। लेकिन NH4Cl में चूंकि ये हमारे एक एसिडिक सॉल्ट है तो उसमें हाइड्रेशन भी हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगी, जैसे कि NH4Cl है ना, तो NH4+ यहाँ पर हमारे पास आ गया और Cl- यहाँ पर आ गया। अब NH4+ को क्या होगा कि OH- चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, तो ये सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगा ये, और H+ को, Cl- को क्या होगा, जो H+ है पानी का वो उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, तो ये हाइड्रेशन तो हो गई इसके अंदर, हाइड्रेशन इसके अंदर भी हो गई। अब इसके अंदर एक और चीज़, इसके अंदर आपकी जो है वो हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, कैसे, चूँकि जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो NH4OH बनाएगा और HCl बनाएगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा और वीक बेस बनेगा, तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा और इसका पीएच लेस देन 7 हो जाएगा। तो चूँकि चेंज ऑफ पीएच हो गया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रेशन के साथ साथ हाइड्रोलिसिस भी हो गई है, जो केमिकल प्रोसेस होता है। समझ में आ गई बात, क्या डिफरेंस है हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में, मसला। तो क्वेश्चन 14 है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज 0.0016 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, और इक्वेशन भी दी हुई है, वरना दी नहीं जाती है, उन्होंने इक्वेशन बना कर दी थी, काम और आसान कर दिया। ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 7, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, डेटा बना लेते हैं। तो डेटा बनाएंगे सबसे पहले, तो सॉल्युबिलिटी गिवन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CaC2O4 कितना दिया जा रहा है आपको, दिया जा रहा है 0.0016 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर का तो वैसे ही आपको पता है वो काम है नहीं, केस चैप्टर 7 में टेम्परेचर किसे काम करिए, खासतौर पर केस पे निकालने के लिए।
फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट, मतलब केएसपी निकालनी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब केएसपी निकालनी है, बस डेटा खत्म हो गया। अब हम सॉल्यूशन, और आपको पता है कि हम जब भी हमें केएसपी निकालनी होती है तो केएसपी के लिए हमें मोलैरिटी चाहिए होती है, सॉल्युबिलिटी नहीं। तो पहले हम मोलैरिटी निकाल लेंगे, मोलैरिटी बराबर किसके होता है? यस, बिल्कुल सही जवाब दिया अब्दुल मुईज आपने, सॉल्युबिलिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो सॉल्युबिलिटी है 0.0016, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना आ जाएगा इसका? ये हो जाएगा 40+24+64 हो जाएगा ना बेटा, ये कितना आ रहा है ओवरऑल, पूरा कैलकुलेट कर लो। हाँ, 1.25 - 5 मोलर, ठीक है, यही आ रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, CaC2O4, ये बन रहा है क्या Ca+2+C2O4-2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ गया, तो ये तो हमारे पास x की वैल्यू होती है ना, ये तो ये x हो गया और ये भी x हमारे पास हो गया। तो Ksp बराबर हो गया कैल्शियम प्लस टू की कंसंट्रेशन और C2O4-2 की कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। इसके बाद x इंटू x हो जाएगा ये x2, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.25 एक्सपोनेंट माइनस 5 का होल स्क्वायर, कितना हो गया Ksp? एक्सपोनेंट माइनस 10, यूनिट क्या आ जाएगी? मोलैरिटी का स्क्वायर आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो गया फाइनल, समझ में आया सबको? हो गया ये। ओके, उसके बाद 15th क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन H2+I2 2HI, व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेंड द कंसंट्रेशन वाज H2I2HI सबका 4 mol/dm³, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। बुक का सवाल है एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 से ही है, केमिकल इक्विलिब्रियम से। सबसे पहले हम इसमें डेटा बना लेते हैं, तो डेटा बनाएंगे तो हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, H2 की दी हुई है कितनी भाई 4 mol/dm³, कैपिटल M भी लिख सकते हैं। I2 की दी हुई है कितनी भाई, इसके भी 4 mol/dm³। HI की दी हुई है क्या, इसके भी 4 mol/dm³। मालूम क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc, और साथ में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। तो सर इस तरह से नहीं लिखेंगे, फिर पूरा लिखना पड़ेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 और साथ में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I2, ये तीन चीज़ें हमें बतानी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो Kc आ जाएगा बड़े आराम से, तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन दी भी है सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो ए वाला काम तो हम लोग पहले कर लेंगे। तो ए वाला काम पहले कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बच्चों आपसे, क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है HI का स्क्वायर हो जाएगा ये, और रिएक्टेंट क्या है H2I2, ठीक है बच्चों। HI का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 4 × 4, ये हो गया 16 upon 1 आ गया, वन ही आता था बुक में, ही वन आ रहा था इसका। अच्छा, वैल्यूज चेंज हुई हैं, वैल्यूज चेंज है तो वन ही आ रहा है ना वैसे इसका, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका हमारे पास एक आंसर आ गया। अब इसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन चूंकि बोल दिया ना, अब इसके अंदर हमारे क्या बनेगा, आइस टेबल बनेगा इसके अंदर। अब आइस टेबल के बिना आता नहीं इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल चाहे गिवन कर दे चाहे इनिशियल रिक्वायर्ड कर दे, दोनों सूरतों में आइस टेबल बनेगा, ऐसा ही आइस टेबल, ICE, आइस टेबल, इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम। बनाना आता है आइस टेबल सबको, सब बहुत जरूरी है, बड़े बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं आइस टेबल से। H2+I2 इट फॉर्म्स 2HI, ठीक है। H2+I2 इट फॉर्म्स 2HI, तो सबसे पहले I फिर C फिर E, तो ये हमारे पास हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन, और ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, सही है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, ये जीरो इनिशियल, अच्छा इनिशियल तो मालूम करना है, उसको स्मॉल ए कह दें, उसको स्मॉल बी कह दें, और प्रोडक्ट में जीरो होगा, ये हो जाएगा -x - x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये भी क्या हो जाएगा, ये
हाँ मतलब वही है, सही है सही है, एक ही बात है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर, ए बी माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर, और ये 2x इज इक्वल टू फोर, ऐसे ही आएगा ना, यहाँ से x क्या निकल गया, 2 निकल गया, तो है ना 2 1 2 2 2 4, यहाँ पुट कर दो, a इज इक्वल टू फोर प्लस एक्स, बी इज इक्वल टू फोर प्लस एक्स, ए क्या आ गया 4 प्लस 2, बी इज इक्वल टू 4 प्लस 2, ए इज इक्वल टू 6 मोलर, और बी क्या आ गया हमारा 6 मोलर्स। उसका मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एच टू कितना आ गया 6 मोलर आ गया, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आई टू कितना आ गया, ये भी 6 मोलर आ गया। ये आंसर हो गया हमारा, क्लियर इजी है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी हमारा है, डिटेल क्वेश्चन आंसर डीजे साइंस कॉलेज का। इसमें क्वेश्चन 4A है, व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखना बेटा, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन को ही कहते हैं, उसको डिफाइन कर देना, डेफिनेशन करने वाला है कि क्या, राइट इट्स टाइप्स, इसके टाइप्स बता देने आपको, sp3 sp2 sp, तीनों टाइप्स बता देनी। आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन इन H2O अमोनिया एंड C2H2। फिर आपको आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, H2O में कौन सी, अमोनिया में कौन सी, और C2H2 में कौन सी। मतलब आपसे कोई वो नहीं करना है, मतलब पूरा डायग्राम ड्रॉ और ये सब चीज़ नहीं कर रहे करनी है, सिर्फ आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। और मैं किया मैंने इसको HOM से, ये वाला HOM वाला सवाल होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। तो H2O में हमें sp3 मिलता है विथ 2 लोन पेयर, याद आया कुछ। अमोनिया में भी क्या होता है, sp3 निकलता है विथ 1 लोन पेयर, है ना भाई। और C2H2 इथाइन, इसमें हमारे पास क्या निकलता है, sp हाइब्रिडाइजेशन निकलती है। आते करना ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं इसको हम लोग, अगर करना चाहे तो। तो ये HOM जो है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, उसके अंदर से हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा सा अलग सा सवाल दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पूछी है, फिर बोला कि यार उसके तीनों टाइप्स बता दो, sp3 sp2 sp, फिर अगले पॉइंट में क्या बोला लॉन्ग में कि H2O अमोनिया और इथाइन में बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो आपको निकाल कर दिखानी पड़ेगी, डायरेक्टली लिख देंगे ऐसे, निकालने का तरीका वो हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक वो HOM में कराया ना मैंने, बट डायग्राम नहीं बनाया उसकी, हाइब्रिडाइजेशन बताकर छोड़ दें, मेरा 3 डायग्राम तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, सवाल सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, तब आप HOM जो है ना उसके थ्रू आप पूरी तरह से उसको निकाल सकते हैं। कोई भी जैसे मैं एक, अगर मैं H2O का आपको निकाल कर दिखा दूं, तो H2O का कैसे निकाला था हमने, सबसे पहले हम क्या देखते थे कि सेंट्रल एटम क्या है, तो सेंट्रल एटम क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। सराउंडिंग एटम क्या है, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम की करेंगे ऑक्सीजन की, ये क्या आ जाएगी हमारे पास 1s2 2s2 और 2p x2p y2p, ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है ना, 2 2 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कौन से स्टेट में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ग्राउंड स्टेट में। फिर 1s को मिटा देते थे, याद आ रहा है कुछ, 2s इलेक्ट्रॉन जंप मारता था, किस पे मारेगा भाई, तो 2p y पे मारेगा, ये तो पेयरिंग में, तो ये क्या हो जाएगा 2s1 2p x2 2p y2 और 2p z1, ये कौन से स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, एक्साइटेड स्टेट की। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन चारों में है, तो ये चार हमारे पास कैसे ऑर्बिटल बन गए, sp3 बन गए, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें से ये दो हमारे पास क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है। और sp3 जब दो लोन पेयर के साथ आता है तो शेप कैसा बनता है, यस बिल्कुल सही जवाब दिया, एंगुलर बनता है या बेंट बनता है या वी शेप बनता है। और बॉन्ड एंगल क्या चलती है इसमें, 104.5 डिग्री। समझ में आया सबको, याद आ रहा है ऐसा कुछ, इसी को बोलते हैं HOM हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। इसी तरह से आपको अमोनिया का बताना है और इथाइन का बनाना है, ये सब कॉपी में किया हुआ है आपके फेयर कॉपी में, मतलब देख कर देने को मसला नहीं। इसके बाद क्वेश्चन 5A है, ये भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के अंदर, कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक एसिडिक में दिया हुआ है, अगला शायद बेसिक में होगा। इसको बैलेंस करना होता है, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट बैलेंस करके आपको दिखा देता हूँ, स्टेप वाइज नहीं। ठीक है, तो पहले दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा Cr2O7-2, ये हो जाएगा Cr+3, और ये I2 क्या बन जाएगा, IO3-1। वाटर को कट कर देंगे शुरू में, ठीक है।
सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं इक्वेशन को. सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. यहाँ पर टू लगा देंगे, यहाँ पर टू लगा देंगे, बैलेंस हो गया. थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे कैसे, बाय एडिंग वाटर H2O लगाकर. यहाँ पर 7H2O लग जाएगा बेटा, और यहाँ पर कितना H2O लगेगा, 6H2O लग जाएगा. उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे H+ लगाकर. यहाँ पर 14H+ लगा देंगे, और यहाँ पर कितना लगा देंगे, आता सबको करना ही है. इसके बाद सबसे मेन काम चार्जेस बैलेंस करना, ठीक है. प्लस 14 माइनस का 2 बन गया प्लस का 12 चार्ज, प्लस का 6 चार्ज. क्या करें, 6 इलेक्ट्रॉन लगा दें यहाँ पर, चार्ज बराबर हो जाएगा. करना आता है सबको. इसके बाद यहाँ पर 0 चार्ज, यहाँ पर माइनस 2, प्लस का 12 कितना हो गया, प्लस का 10 चार्ज. क्लियर है? तो यहाँ क्या करें, 10 इलेक्ट्रॉन लगा दें यहाँ पर, चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे. मल्टीप्लाई किससे करें, 6 5 30 नहीं, हाँ उसको 5 से कर देते हैं, और उसको किससे कर देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये क्या हो गया हमारा, 15 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 फाइव ज़ा 6 सॉरी 30 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 फाइव ज़ा, ये तो बुक का ही सवाल है. प्लस 5 Cr2O7 माइनस 2 बना 10 Cr+3 प्लस 35 H2O. नीचे आ जाओ भाई, 6 18 H2O प्लस 3 iodine, ये बना 6 IO3 माइनस प्लस 36 H+ प्लस 30 इलेक्ट्रॉन. और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे आपस में, 30 इलेक्ट्रॉन से 30 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे. ये भाई कुछ और कैंसिल कर देते हैं ना, यहाँ से 36H+ यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से 18H2 निकाल देते हैं. तो 5 Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3 I2, H+ कितना हो गया, ये 34H+ 10 Cr+3 प्लस 6 IO3 माइनस वाटर कितना हो रहा है, 35 माइनस 18 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे बैलेंस. इतना तो कॉन्फिडेंस है, आपकी गलती नहीं होती है. क्या बोलते हो कि सही होगा, चेक करो ना करो, ये तो आसान सवाल है, तुम लोगों को भी आता होगा, कर लोगे ना, इजी है. तो ये बुक का ये सवाल आ गया एसिडिक मीडिया में, मैंने डायरेक्टली कर लिया बैलेंस. आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है. वैसे कितनी जल्दी हो गया, 4 लाइन में 5 लाइन में हो गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं कर रहे. समझने के लिए तो ऐसे सही है, लेकिन कॉपी में नहीं कर सकते आप इसको ऐसे. टीचर कर सकते हैं, स्टूडेंट को करना मना है ऐसे. आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप शो करना पड़ेगा, ठीक है. वो मेरे लेक्चर्स मौजूद है उसमें भी, तो उसके थ्रू देख सकते हैं. मतलब जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो लेक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं. मैंने पूरा डिटेल में बताया कैसे इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं. क्लियर है? मतलब फिंगर टिप पे आपके पेपर है, मतलब हमारे फिंगर टिप पे पेपर है, उंगली के इशारे पर है. तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं, आराम से कर सकते हैं. कितना आसान, एकदम ऐसा लग रहा है खेल जाए इससे पेपर से. यही हो रहा है ना भाई, कुछ भी नहीं है. और कुछ बच्चों के लिए यही बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं कैसे होगा, ठीक है. प्रैक्टिस की बात है, आपने पूरे साल मेहनत की है तो आपको आखिरी में परेशान नहीं होना पड़ेगा. देखो नेक्स्ट ईयर किसमें, बेसिक मीडियम में दे दिए, लिख रहे हो ना तुम. तो बुक जो बुक का ही है, एग्जैक्टली बुक का है, कोई चीज चेंज नहीं है. तभी तो बिना माइनस किए बता रहे कि इतना आ रही है. और जो बुक वाला आ जाता है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है ना, होता ऐसे ही बन जाता है. याद किया होता पूरा, होता प्रैक्टिस कर करके. नेक्स्ट है, अब बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है. देखो बेसिक मीडियम में कैसे करना है ये भी बताया था, ज्यादा गलती हो गई बताना. CrOOH3 ये बना CrO4-2, SO4-2 ये बना SO3-2. चलो भाई देखो स्टार्ट कर रहे हैं. ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4, एक H2O लग जाएगा यहाँ, सही है. और यहाँ पर एक H2O लग जाएगा, यहाँ तक सही है. अब 3 और 2 5 हाइड्रोजन, 5H+ ही लगाया था हमने, या 6H+ लगाया था, 6 लगा दिया था, तो गलत हो गया, 5 लगाया था, ओके. 3 और 2 5, तो 5 होना चाहिए. चलो देखते हैं, पता लग जाएगा. 6 लगा दिया था ना, अभी देखते हैं, अब शायद सही हो जाएगा. 3 2 5, इसके बाद यहाँ आप, चलो आप जल्दी से करते हैं. 2H+ शायद गलती वहीं पर थी, तो 2H- इधर, 2OH- इधर, 5H, हाँ बिल्कुल, यहाँ 6 लगाया था हमने, ठीक है.
अब ये हो जाएगा वैसे, ठीक है, लेकिन कर लेता हूँ मैं पूरा। हाँ ओ एच माइनस, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से 2H2O हो गया ये, और ये हो गया हमारा 5H2O। फिर यहाँ से हमने उसको हटा दिया, यहाँ से H2O हटाया तो यहाँ से क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ से 2H2O है ना, यहाँ से H2O हटाया तो फिर सिर्फ H2 हो गया। सही है, यहाँ तक सेट है। चार्जेस बैलेंस कर लेते हैं, ये -5 हो गया, ये -2 हो गया, -5 -2, तो क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा, ठीक है, यहाँ पर चार्ज हुआ -2, यहाँ -4, तो क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा लें। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना भाई। इसको मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। (10OH-+2CrOH3) ये बना (2CrO4-2+8H2O+6 इलेक्ट्रॉन) इसको 3 से करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन + 3H2O+3SO4-2 3SO3-2+6OH-। सही है यहाँ तक, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 3H2O यहाँ से कैंसिल, यहाँ से 6OH कैंसिल, आ गया 4OH3+3SO4-2+10OH-4OH-4OH-2+3SO3-2+8H2O, यहाँ से 3 निकला तो 5। अब हुआ क्या बैलेंस, अब तो होना चाहिए भाई, ठीक है। 2 क्रोमियम 3 सल्फर ऑक्सीजन, 4 3 12, 12 और 4 16, 16 और 6 3 2 6, 16 और 6 22, 16 और 6 22, 22 ना, तो 4 2 8, 8 और 9, 17 और 5, 22 आठ जन देख लेते हैं, 3 2 6, 6 4 10, 5 2 10 बैलेंस, ठीक है। देखो कितनी छोटी सी गलती थी, माइनर, वो पूरा गलत हो गया, क्योंकि पहले दूसरे स्टेप में गलती कर दी थी हमने, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, मैंने इसको गिन गलत लिया था, 6 गिन लिया था, क्योंकि वो 5 था, मैंने 3 2 6 कर दिया था, क्योंकि 3+2 5 होगा वो, ऐसा ही है। तो बेसिक मीडिया में थोड़ा सा ध्यान जहन में रखे करना पड़ता है, एसिडिक तो फिर भी हो जाता। ये तो बुक का सवाल था, घर उसने सॉल्व किया है आपने कॉपी में, ऐसा ही। इसके बाद लॉन्ग लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, कि व्हाट इज मेंट बाय बॉर्न हेबर साइकिल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉर्न हेबर साइकिल। डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी फॉर RBCl, रुबिडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, राइटिंग और थर्मोकेमिकल इक्वेशन स्टेप वाइज यूजिंग फॉलोइंग डेटा। उसमें डायग्राम नहीं बनाने बोला है, हाँ लेटेस्ट एनर्जी दिया हुआ है तो क्या मालूम कैसे करना है, बिल्कुल सही, ये तो सवाल ही गलत हो गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करना होगा। लेटेस्ट एनर्जी दिया हुआ है ना भाई, तो मालूम नहीं करना है ना, ये क्वेश्चन गलत है। डीजे साइंस कॉलेज में डिटरमाइन द डेल्टा HF, ये मालूम करना हो सकता है ना, डेल्टा एच नॉट एफ सन हीट ऑफ फॉर्मेशन, बाकी सबकी मदद से मालूम करना होता है। अब हम डायरेक्टली, मैं इसको बता देता हूँ ना डायरेक्टली कैसे करना है, कि मैं डायरेक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ, वो लंबी कहानी, बहुत टाइम लगेगा, इक्वेशन आता है ना करना, ये तो बुक का सवाल है। तो डेल्टा एच नॉट एफ इक्वल टू, सबको प्लस कर देंगे सारी चीज़ों को, जो जो चीज़ें सबको प्लस कर देंगे, सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एच सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन सबसे पहले होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है रुबिडियम से, डेल्टा एच IP अनएडिशन पोटेंशियल प्लस, उसके बाद अब बारी आती है इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी किसकी भाई, क्लोरीन की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद फिर क्या होती है, दोनों मिलकर लेटेस्ट एनर्जी, ऐसे ही निकलता है, ये सारा पूरा प्लस करते हैं। सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन कितना है, 82 प्लस का ही होगा ये, IP इतना है 403, डिसोसिएशन इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, 5 मिनट रुको, तो 403, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 121, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, चूंकि एक क्लोरीन के लिए निकालना होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
माइनस का 348.5, फिर माइनस का 689 लैटिस एनर्जी कितना आ रहा है डेल्टा एच नॉट एफ? यही आता है ना भाई, माइनस का 431.5 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये तो मैंने आखिरी स्टेप में आपको बता रहा हूँ ना, इससे पहले आपको पूरे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखने होंगे इसके। चूंकि क्या बोल रहे हैं कि यूजिंग राइटिंग ऑल थर्मोकेमिकल इक्वेशन स्टेप वाइज यूजिंग फॉलोइंग डेटा। ये मैं एंड का बता रहा हूँ, कोई इस तरह से डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि डायग्राम का बोल नहीं रहे। तो आपको बस थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखनी है सारी और साथ में हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। चूंकि उन्होंने शुरू में डेफिनेशन पूछनी है ना बॉन्ड एवर साइकिल की, तो इसलिए वहाँ से डायग्राम हटा दिया। लॉन्ग सुबह ऑल हो जाता मैंने। ठीक है, क्लियर है?